फोकस नहीं हो रहा, पता इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ बता रहा है, इट्स वेरी गुड टू हियर, एक रीजन है वो मोटिवेशन पोस्टर पे है, वही है ना, ये सब ईगो वाली बातें हैं, किस बेसिस पे, किस बेसिस, तो बेवकूफों की बातें ना। नमस्ते दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, कई सारे लोग बोलने लगे थे कि फुल वीडियो कहाँ है, फुल वीडियो कहाँ है। देखो, फुल वीडियो तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास ऑडियो ज़रूर है, और आज मैं वो ऑडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो को फुल देखिए, मैं निश्चिंत रूप से कह सकता हूँ कि वीडियो से आप कुछ ना कुछ वैल्यूबल लेसन लेके जाओगे। वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद। जान लोगे तुम्हारे सर यहाँ पे भाई प्रॉब्लम्स में आते हैं, मांगते हैं भाई, तुम्हें भी बता रहा हूँ इतनी प्रॉब्लम है लोगों की जिंदगी में, असली रियलिटी क्या है बहुत डिफरेंट है। सो मेरे इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने पूछा कि आप बेस्ट सेलर बन गए तो कैसा फील हो रहा है, काइंड ऑफ कोई कुछ है अलग या नया कुछ फील हो रहा, कुछ भी नहीं बेस्ट सेलर तो एक टैग है। So, at the end, like, हम लोग वर्ड से अभी जैसे कि आप पहले ही बोल रहे थे हम लोग अपने आप को इतने वर्ड से अटैच कर लेते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर हो गया, बेस्ट सेलर हो गया, कि एट द एंड उसके पीछे के मीनिंग को भूल ही जाते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या करना था, क्यों करना है। वही बात को बात करा था जिसके ब्लॉग में भी मैंने से ये बात कही थी, लाइफ में डिराइव करो, अगर तुम्हें कोई भी सेंस ऑफ पर्पस या मीनिंग डिराइव करना है तो तुम उसमें करो जो तुमने काम किया और जो तुमने प्रोडक्ट या सर्विस जो बनाई है उससे तुम्हें क्या खुशी मिल रही है। जो स्ले पॉइंट के साथ मैंने बैठ के पूरा पॉडकास्ट शूट किया है उसमें एक बात मैंने करी है, मैंने कहा तुम जब तक अपना प्रोडक्ट बनाओगे और तुम खुशी या यू नो जो भी फील करना है फीलिंग तब फील करते हो व्हेन यू पुट इट आउट एंड उसके बाद जब तक रिजल्ट आ रहा है तब तक खुशी तुम्हारी जिंदगी में हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो लोगों के हाथ में है। तो एक बात बताओ, ये बेस्ट सेल्फ क्या है एक यूनिवर्सल टर्म में, व्हाट डज इट मीन? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ईगो को खाना है, मैं बेस्ट सेलर हो गया क्या, मैं अपने मान में अपने आप को अपना बना लूं, कुछ नहीं भाई, सब बकवास है। तो क्यों नहीं होना, बेस्ट सेलर हो गए, मेरे इतने फॉलोअर हो गए, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, यूट्यूब के जो टॉप के लोग तभी तो दुनिया के सबसे बड़े एसोल होते हैं, तुम में से कितने लोग कभी रियल लाइफ में मिले हो किसी यूट्यूबर से? तुम्हारी जो वीडियो का पर्सनैलिटी है और जो रियल पर्सनैलिटी होगी उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस देखेगा, कभी रोड में मिला से। तो वही भाई मिले तुम्हें, अरे मेरे भाई मैंने वीडियो अपलोड किया है भाई अभी थोड़ा सा लेट हो गया, मैं तुमसे बहुत प्यार मिल जाएगा रोड पे, देख लो कितना भाव देगा। वही है ना, ये सब ईगो वाली बातें हैं, मेरे इतने हजार लाइक्स आते हैं, मेरे इतने करोड़ों व्यूज आते हैं, क्या इससे मेरे को क्या मिल जा रहा है? पेट भर गया, मैंने खाना नहीं खाया तब भी पेट भर जाएगा ना, इससे कुछ होगा नहीं। एट द एंड क्या हो, इंसान हो, इंसान रहो, इसीलिए मैं औकात में रहना चाहिए और क्या। सो हाँ तो नहीं, काइंड ऑफ बेस्ट सेलर सेल करने में हेल्प करता है बस, वो तो एक अलग प्रोसेस है ना, मैं कह रहा हूँ अगर ये बेस्ट सेलर का टैग ना लगा होता, ये तो मैन मेड टैग है ना, बुक का काउंट तो तभी उतना ही सेल का होता, बस ये ईगो को खुशी देने वाली चीज तो इन्वेंट नहीं हुई होती, मतलब एक्चुअली हाँ जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो ईगो काइंड ऑफ अटैच हो जाता है। देखो ये सब जितने भी रैंकिंग सिस्टम होते हैं, टॉप सिस्टम होते हैं, सब बहुत ही पहले की बनाई हुई प्रथाएं हैं, ये मॉडर्न डे ह्यूमन अगर अपनी बायोलॉजी और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इन सब सब्जेक्ट्स को कंसिडर करके बनाएगा तो रियलाइज करेगा ये सब चीजें कमी ये खून डालती है इंसानों के बीच में, ये स्टूपिड चीजें हैं। तुम नंबर वन पे हो, अच्छा ये तुम्हारी लिस्ट में दिमाग में आई, द मोस्ट हैंडसम मैन ऑन द तुम्हारा जो लिस्ट में अभी रॉबर्ट पैटिनसन है, तो आप मतलब पूरे 7 बिलियन में जितने 3.5 या 4 बिलियन मर्द होंगे सबके आप बैठे सर्फ टिकाए है, उस मैगजीन ने एक्शन में किया है, तुम सबके घर में आया था कोई वो, लेकिन मोस्ट हैंडसम मैन हो गया किस बेसिस पे, किस बेसिस पे? तो बेवकूफों की बात है ना, अब लेट्स से उस इंसान को हो सकता है कोई फर्क ना पड़ो, लेकिन सोचो उस इंसान को फर्क पड़ जाए, वो मानने लग जाए मैं हूं तुम इंसान की तो ऐसे तैसी हटी, ये बात है ना, सब क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सबका कोई पॉइंट नहीं है। मुंबई आके कैसा लगा, बढ़िया लगा, मुंबई का क्राउड कैसा लग रहा, बहुत शांत है यार, सब एक टुगेदर स्ट्रांग एक्चुअली बुक शॉप में तो ज्यादा चिल्ला भी नहीं सकते, वरना पक्का क्राउड बहुत ज्यादा चिल्ला देती है ना, स्टार्टिंग में चिल्लाई भी थे लोगों ने, लेकिन आपने बुला छोड़ दो बहुत सिस्टम्स हो रहा है काम,
मेरा तो वो यार कि यार सिस्टम से भी काम होता है। हाय श्वेतभ सर, दिस इज यश। हाय यार, आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी प्रोसेस ट्रेनिंग। ओके, इट्स गोइंग वेरी गुड। या लेफ्ट माय जॉब, इनकम इज 3 टाइम्स मोर। हम्म, द ओनली कंसर्न इज आई वर्क फॉर 6 टू 8 आवर्स एवरी डे। या सम टाइम इट्स 0 आवर्स बट स्टिल आई स्टिल गेट पेड। या द ओनली प्रॉब्लम आई हैव इज आई कैनॉट फोकस ऑन वन थिंग, वन पर्टिकुलर थिंग। Okay. When there's a client in front of me, I can train him. My focus is 100%. But when I'm at home in front of my laptop, focusing on how to improve in Instagram marketing, Instagram followers, how to get more clients, learn new exercise, I cannot focus on it. So maybe high budget zyada hai. Maybe tum jis cheez pe focus kar sakte ho, whatever tumhara area of field hai focus ki, that is reserved for, you know, like wo ek do teen hi honge. So I need to ask, kitne logo delegate kar rahe ho kaam? नहीं कर सकते, दैट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। यू नीड टू नो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। हो सकता है तुम मार्केटिंग टेबल पर बैठाया, अगर तुम्हें डील करनी हो, तुम सेल्स पिच हो, उसमें तुम बहुत बेटर हो, बट कुछ काम है बहुत सारे, फोकस नहीं हो रहा। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ बता रहा है। अपने दिमाग को कुछ मत बताओ, अपने दिमाग के सुनना स्टार्ट करो। वो तुम्हें बता रहा है मेरे भाई मेरा फोकस नहीं हो रहा, यानी कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है, इस काम में मत करो। तुम्हें पता है तुम्हारा वो एरिया कौन सा है जिसमें तुम्हें बैठा दो, तुम फुली कॉन्फिडेंट हो, तो बता हाँ ये तो मैं करूंगा, खुद ही बोल रहा हूं। तो ये चीज समझो, यू नॉट मेंट टू डू वन मैन आर्मी, ये तुम्हारा टाइगर श्रॉफ ही है बस। है क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो रियल लाइफ में समझो, राइट, यू नीड टू लर्न। ये तुम आराम से पढ़ नहीं सकते उसके बारे में, बट फाइंड की क्या चीजें मेरे से 3 घंटे ज्यादा नहीं हो सकती, डेलीगेट कर। या और भी क्वेश्चन दोस्त, इसको दे दो, इसका ये आया भी दो ऊपर। Hi sir, myself Abhijit. Yeah. Kuch. Sir, I wanted to thank you first for all the videos that you've made. Thank you very much. I got introduced to your videos from one of my cousins 3.5 years ago. I was overweight that time. I used to be 108 kgs. I was a marketing student, but then I switched to finance. Okay. I've become very fit. I'm actually loving the version of myself. And thank you so much for that. My question to you is, how do I become the best version of myself in whatever I do? That doesn't exist. That is a bullshit thing. It's a, देखो, जो भी motivational poster पढ़ रहे हो ना, it's horseshit. It's very good to hear. एक reason है वो motivational poster पे है. It's not real. ठीक है? Best version of what? क्या हुआ? Best का मतलब मुझे बता. What is best? I mean, I must be satisfied with whatever I am doing. Okay. तो every year, let's say, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो. तो let's say तुम 23 में you do exceptionally well. जो भी चीज कर रहे हो. 25 में जब तक तुम पहुंचोगे, तुम जब पलट के 23 वाले को देखोगे, तुम कहोगे ये तो यार फिर भी कम है, इसको मेरी प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे कॉन्टैक्ट बन चुके होंगे, तुम्हारे एक्सपीरियंस में इतनी सारी चीजें सिखा चुका होगा, तुम ऑलरेडी अपने जो फाउंडेशन ले कर चुके होगे वर्क की, उससे तुम बहुत आगे हो चुके होगे। तो अगर तुम 40,000 का काम कर रहे हो 24 में, अगर तुमने ढंग से काम किया तो तुम हो सकता है 4 लाख में पहुंच चुके हो। तो तुम 40 लाख की सबका वैल्यू ना करो, तो 4 लाख वाला बेस्ट है या 40,000 वाला बेस्ट है, तुम बताओ? 4 लाख वाला बेस्ट है। तो पूछ, लेकिन उस 2 साल वाले इंसान के साथ तो वो भी बेस्ट था उसके दिमाग में। सब रिलेटिव है, द वर्ल्ड इज बेटर, बेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड हर साल टूटते रहते हैं ना, तो बेस्ट तो पॉइंटलेस हुआ ना, क्योंकि कल कोई नया आके उसको तोड़ देगा, बट जो उसको तोड़ेगा वो बेस्ट नहीं हो जाता, ही इज बेटर देन दैट वन। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समबडी हु इज बेटर देन यू, राइट, एंड यू हैव टू बी बेटर देन द वर्जन जो तुम्हारा पुराना था। सब लोगों को बेटर करो एंड कट योर सेल्फ सम स्लैक, और इतना ऑब्सेसिव होने की जरूरत नहीं है, आराम से काम करो, सो भी बढ़िया, खाओ भी बढ़िया, तुम्हें एक अच्छा रूटीन चाहिए हम सबको। लेकिन जिंदगी का मतलब सिर्फ काम नहीं होता, हम घोड़े नहीं हैं, समझ रहे हो, जिंदगी का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए काम को प्रायोरिटी रखो। लेकिन नंबर वन मतलब क्या होगा, जब मैं बोलता हूं नंबर वन प्रायोरिटी रखो, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव भी है, वरना मैं कहता सिर्फ काम करो और कुछ मत करो, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेशन, चल मेरे भाई तू काम कर रहा है, कितने घंटे देता है अपने दिमाग को कल्टिवेट करने में, इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं कि भाई बहुत तुझे उखाड़ लिया, बात करने बैठे तो कुछ नहीं पता होता, अपने धंधे के अलावा कोई बात नहीं कर पाएंगे वो, व्हाट्स द पॉइंट। कई लोगों को उनकी हजारों फैसिनेशन है कई चीजों में, मेरे को साइकोलॉजी में फैसिनेशन है, फिलोसफी में फैसिनेशन है। Fascinations क्या है? आपका दिमाग कह रहा है मेरे को इंटेलेक्चुअली कल्टिवेट होना है, मेरे को फूड दे, वो नहीं कह रहा मेरे को बीए की डिग्री में अप्लाई कर, समझ रहा? तो ये और नीड है जिसे हम इग्नोर करते हैं, अपने इंटरेस्ट। किसी बात बता रहा हूं, बहुत लोग होते हैं सिंगल होते हैं, कहते हैं यार लड़की कहां मिलेगी ये नहीं पता,
क्लब में जो मिली उसमें तो धोखा दे दिया मेरे भाई। क्लब में कौन सी कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट तुझे मिल गए कि तूने उसको चूस लिया मुझे क्लब में दिखी है ये ड्रिंक पी रही है ये होना चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड क्या क्राइटेरिया था सेम ड्रिंक ड्रिंक कोई वो ही थोड़ी है इट्स नॉट अबाउट यू बट आई गेट इट तो मेरा भाई क्वेश्चन है तुम्हारी लाइफ में भविष्य में इंटरेस्ट क्या है दो इंटरेस्ट के भी अगर कॉमनैलिटी है दो लोगों में यू कैन हैव अ रिलेशनशिप बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव दोस टू थिंग्स टू फॉल बैक ऑन जब भी तुम्हारे पास कॉन्वर्सेशन करने को कुछ नहीं है तब भी तुम्हारे पास काम करने को नहीं है यू हैव एक्टिविटीज टू डू टुगेदर यू हैव कॉमन इंटरेस्ट बट हम क्या करते हैं अपने इंटरेस्ट को कभी फोकस नहीं करते आपकी लाइफ में आपका इंटरेस्ट सामने होगा आपके चार दोस्त आएंगे आप कहेंगे बाहर में जाओ आप इन लोगों के साथ पहले मजाक कर लें थोड़े से मजे कर लें भाई दोस्त हैं है ना आप इंटरेस्ट में कह रहा हूं आपको नए दोस्त बनाने हैं अपने इंटरेस्ट के अंदर बनाओ जो दोस्त हैं उनको छोड़ो मत बट भाई कितने लोग हैं अपनी लाइफ में आ सक तुम लोग तो मुंबई में हो गए किसी ने कोई ग्रुप में गया किसी क्लब में गया कभी किसी चीज में किसी भी कोई भी इंटरेस्ट होगा तुम्हारे अंदर उसकी किसी कम्युनिटी में गए तुमने फेसबुक ग्रुप में ढूंढा है ले कहां से दोस्त बनेंगे दो तीन लोग हैं चार बढ़िया गए हो तुम वीकली जाते हो वहां पे लोग मिलते हैं वो उनसे ज्यादा जल्दी बात होती है ना क्योंकि कॉमन गोल के लिए कॉमन पर्पज के लिए पता क्या होता है तुम्हें पहली चीज एक और चीज बहुत बढ़िया दिनों जितने लोग काम कर रहे हो तो मैं समझता हूँ हमेशा उस स्पीयर में फंसे रहते हो अपने सेम प्रोफेशन के यू ओनली मीट वही तरह के लोग बट जब तुमने कॉमनैलिटी यानी इंटरेस्ट के बेसिस में मिलते हो तो लोग मिलते हैं दुनिया के अलग अलग जगहों से कोई कुछ और ही कर रहा है तब आपकी नॉलेज भी और बढ़ती है आपका पर्सपेक्टिव बढ़ता है समझ रहे हो और आप बॉन्ड रिलेशनशिप अगर किसी से बिल्ड करते हो तो समझो ना देयर इज कॉमन ग्राउंड आप क्लब में जाता है जब इंसान तो ये सोच रहा था आज एक लड़की से नंबर तो पाना है आप वो मौके से रुक जाओ If it happens as a, you know, consequence of something, अगर उस मीटिंग का तुम्हें कोई लाइक कर रहा है वो भी लाइक कर रही है तुम बात करते हो धीरे धीरे चीजें ग्रो हो रही है बट उससे पहले बिकॉज ऑफ दैट गोइंग टू दैट प्लेस यू केम टू नो यहाँ की वाइफ क्या है यहाँ के लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है किस तरह की बातें कर रहे हैं बहुत कॉन्टेक्स्ट मिलता है क्लब में क्या कॉन्टेक्स्ट मिला ये टाइट कपड़े पहनती है बियर पीती है या यू नो ये करती है और इसको सॉफ्ट होना पसंद है और ये पार्टी करती है चार डेटा की अगर बात करें रॉ प्योर ऑब्जेक्टिव डेटा इससे कौन सा तुम्हारे क्राइटेरिया बन गया मेरे गर्लफ्रेंड चाहिए या लड़के के लिए भी सॉरी लड़की के लिए भी तो मैं क्लब में क्या दिखी चार चीज होगी इसको दारू पिलाना पसंद है पहले ठीक है ये हर शाम यहाँ पे आता है सॉरी हर वीकेंड में यहाँ पे आता है और इसको लड़कियों को यहाँ पे क्लब में पूछने यू नो टू आस्क गर्ल्स आउट इसका हो गया ये क्राइटेरिया है एंड बेसिस पे क्या डेटा मिल रहा है आपको उस इंसान के बारे में क्योंकि आप रिलेशनशिप फॉर्म करना चाह रहे हो कि इमोशनल इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल सेक्सुअल इतनी सारी चीजों को वो पूछती है जीरो डेटा मिला उस इंसान के बारे में आपको बेटर फ्यूचर बट सेवन अच्छे से हुआ मतलब सब कुछ सही चला था मार्क्स भी अच्छे से बट वो परसेप्शन नहीं मतलब लाइक उतना ज्यादा जो मैं चाहता हूँ अपना आपसे आउटपुट वो नहीं मिल पा रहा शायद अचीवमेंट को लेके हिट एंड कंपैरिजन काइंड ऑफ चीज कर रहे हो कंपेयर किसी से तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो काइंड ऑफ यार तुमको क्या चाहिए एग्जैक्टली लाइक आई वांट टू आई वांट टू स्टडी फर्दर लाइक आई वांट टू डू एमएस सो बेसिकली मेरे गोल्स मेरे को लगता है काफी बड़े होंगे कंपैरिजन में मतलब आई एम नॉट जजिंग द गोल्स बट इफ आई वांट समथिंग मोर आउट ऑफ माय लाइफ आई हैव टू वर्क हार्ड एंड दे आर नॉट गेटिंग इट एंड बाय बिकॉज़ ऑफ देम आई एम आल्सो गेटिंग पुश बैक लाइक दे आर ड्रैगिंग मी आउट लाइक आई एम नॉट एबल टू समथिंग दैट हार्ड सो बेसिकली ये इंसान मुंबई में बोल रहे सॉरी बोल कर रहा हूँ कॉलेज में है ठीक है जितने लोगों से सराउंडेड है समझो एनवायरनमेंट जो है वो इतना एम्बिशियस ही नहीं तो इसको एनवायरनमेंट की वजह से लगता है कि इसकी एम्बिशन से पीछे जा रही है सो मैक्सिमम मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ा ना काइंड ऑफ वही बोलते हैं तुम जितने ज्यादा तुम सेम विजन वाले लोगों के साथ रहोगे ना तुमको उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा अभी जैसे कि यहाँ पे जितने भी लोग आए मेरे को लगता है कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आए अभी जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है मैक्सिमम मैं कुरला में रहता हूँ वहाँ पे मैंने बहुत सारे एम्बिशियस लोग नहीं रहते वहाँ पे ना काइंड ऑफ ऐसे गाली गलौज वाले मैं वैसे ही बैकग्राउंड से आया हूँ सो वो लोगों के साथ मैं ज्यादा जब भी रहता हूँ ना मैं कुछ बड़ा ज्यादा सोच नहीं पाता हूँ
बट जब मैं जैसे अभी श्वेता भाई से मैं मिला तो वो मुझे इंस्पायर करता है बहुत ज्यादा. मैं देखता हूँ कि वो इतने अच्छे से इतने सारे काम कर रहे हैं तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि हाँ मैं भी अपने गोल्स पे इतना काम करूँ. तो मेरे को भी और पुश मिलता है. जितना तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम अगर अलग करोगे काइंड ऑफ जो तुम्हारे जैसा सेम गोल सेम विजन वाले होंगे जो जितने लोग यहाँ पे आए हैं यहीं पे जो रहेंगे मैक्सिमम वो हेल्प करेंगे. पहले से तुम्हें ये देखना पड़ेगा क्रेडिट अपने आप को दो. तुम सेल्फ अवेयर हो ठीक है. यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. यू ड्रॉन अ कंक्लूजन और यू ड्रॉन एन ऑब्जर्वेशन एटलीस्ट जो कि बहुत लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लोग पता क्या करेंगे मेरा सराउंडिंग जो है वो एडमिशन कितनी केयर नहीं करता उनको मजे करने हैं. जब सराउंडिंग कर रहा है समाज कर रहा है तो हम भी करते हैं. वह बड़े एक्सक्यूज होता है दिमाग के लिए. सारे दोस्तों कर रहे हैं मेरे इनका कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. छोड़ो ना आज मजे करते हैं कल का कर देखेंगे. तो मैंने एक सेल्फ अवेयरनेस है विच इज कहाँ से आ रहे हो उसकी रूट क्या है क्योंकि तुम कुछ करना चाहते हो. तुम्हारे को बस सिंपल सी चीज करना है अपनी लाइफ तुम्हारी खुद की है ठीक है. और रियालिटी जो कह रही है वो सच है. तो अपने दिमाग के झूठ बोलने की जो टेंडेंसीज हैं उनको तुम अभी केटर कर रहे हो या फिर हो सकता है टैकल कर रहे हो वैसे. बस उनसे वो चीज करना बंद कर दो. जिस दिन तुम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख गए यानी कि ये चीज देख लो मेरे दोस्त 5 हफ्तों से मैं नोटिस कर रहा हूँ ये एक्चुअली कहीं नहीं जाने वाले. ऑब्जेक्टिव जिस दिन फैक्चुअली तुम्हारे दिमाग में कंक्लूड कर दिया तब समझ लो जिनसे सारी एक्सपेक्टेशन कि एक ग्रुप कलेक्टिव अप्राइज होगी वो नहीं होने वाला. तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी. तुम्हारे दिमाग में मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्यों आया क्योंकि हो सकता है तुम्हारे दिमाग में तुम एक सिनेरियो एक आइडियल सिनेरियो से चीजों को देखते हो ठीक है. आइडियल सिनेरियो से मतलब ये कि भाई हम सब राइज करेंगे. मैं जिस कॉलेज में गया हूँ उस कॉलेज में सब कम्पीट कर रहे होंगे. देखो ये आइडियल सिनेरियो तुम्हारा आइडियल सिनेरियो बिटवे हो रहा है. आइडियल सिनेरियो आया कहां से एक एक्सटर्नल कहीं से तुमने कोई चीज देखी होगी अगर तुम्हें किसी ने बताया कॉलेज लाइफ क्या होती है कहीं ना कहीं से उसका सोर्स बिटा हुआ है. किसी ने आइडिया बताया तुमने आने दिमाग में आइडिया फीड कर लिया और तुम आज भी किसी तीसरे इंसान के बताए हुए आइडिया से फाइट कर रहे हो मुस्लिम इंसान भी किसी कहीं और से आइडिया है. रियलिटी तेरे को दिख रही है. तुझे अब जो भी गोल है तुझे सिक्योर करने हैं. मोटिवेशन मैं तेरे लिए आ रहा हूं तुम्हारे अंदर से आ रही है तुम्हें पता है. तुम बाहर से डराइव नहीं कर रहे राइट. तुम्हें बस प्लान करना है. दो परेशान होने बात नहीं बहुत आगे जाओगे तुम लाइफ में ठीक है. बस एक और चीज सीख लो मैनेजमेंट. चीजें 0 और 100 नहीं होती. या तो मेरे दोस्त 0 मतलब यू नो खच्चर हैं या 100 मतलब परफेक्ट हैं. लाइफ में लोग 30 होंगे 40 होंगे 50 होंगे 5 होंगे या 70 होंगे. तुम्हें मैनेज करना है. तो अगर तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त कलेक्टिवली या फिर इंडिविजुअली भी कोई 30 है कोई 40 कोई 70 है तुम्हें देखना है मैं कितना इस दोस्ती को भी मेंटेन रखने के लिए इनपुट दे सकता हूं जिससे दोस्ती भी चलती रहे. लेकिन मेरी लाइफ की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है मुझे जो मेरा मैंने एम्बिशन बनाई है मैं उसको केटर कर पाऊं फुली. तो दोस्ती को भी लात मारने की जरूरत नहीं क्योंकि हर चीज 0 और 100 नहीं होती. या तो दोस्त रहेंगे तो पढ़ाई को लात मार देंगे या दोस्ती नहीं होगी तो दोस्तों को लात मार देंगे और पढ़ाई चुन लेंगे. ये तो एक्सट्रीम्स हो गए ना ठीक है. अगर एक और लास्ट चीज बोल रहा हूं दोस्ती में जब ये एक्सट्रीम या एक्सेप्शनल सिनेरियो होगी जब दोस्त मान ही नहीं रहे तब लात मारने का टाइम आ गया. क्योंकि सच्चा दोस्त समझेगा तुम अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हो. दैट्स द यू नो क्वालिटी और द मार्क ऑफ अ ट्रू फ्रेंड. ही विल अंडरस्टैंड इफ यू आर टेकिंग टाइम अपना काम कर रहे हो तो वही नहीं कहेगा तुम ये सब चीजें हो. ही विल अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है तू कर रहा है तो करेगा. ही इज ट्रूली योर फ्रेंड. जो नहीं होगा ना उससे बेहतर रहो क्योंकि वो वक्त का दोस्त है. उसको शाम के 3 घंटे बताने तब उसके तुम्हारा नाम याद आया वो वाला दोस्त है समझे. बहुत बेहतर रहो क्योंकि वो जिंदगी में जब तुम्हें लग जाएंगे ना वो दिखाई भी नहीं देगा. वो सिर्फ 3 घंटे की दोस्ती थी बर्बाद हो जाओगे ना तो भी एडवाइस नहीं देगा आगे बढ़ेगा दारू क्योंकि उसको वापस 3 घंटे बिताने थे. ये सेम चीज एक्चुअली एक मैंने भी राइट रिसेंटली 12 रूल्स फॉर लाइफ जॉर्डन पीटरसन ने बुक लिखी थी. उन्होंने भी सेम बात बोली थी कि मैक्सिमम जो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स रहेंगे ना एक्चुअल में वो तुम्हें पुश करेंगे ना कि पुल करेंगे. मैक्सिमम लोग देखो ऐसे लोग लेंगे ना तुमको सिर्फ तुम्हारी टांग खींचेंगे. तुम कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच करने जाओगे ना वो तुमको कुछ ना कुछ गंदा ही बोलेंगे. ये क्या कर रहा है ऐसे थोड़ी ना रखता है. जैसे कि मैंने भी जब बुक समरी चैनल स्टार्ट किया था तो लोग बोल रहे थे ये क्या कर रहा है तू लड़की से रिलेटेड बना कुछ प्रैंक्स बना जा तो पिकअप मार. और तब मैं थोड़ा बहुत पिकअप करता भी था बट मुझे नहीं करना था एक्चुअली. मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में बुक मुझे इंटरेस्ट है अपने आपको इम्प्रूव कर रहे हैं और बुक से मुझे लगता था कि लोग एक्चुअल में अपनी लाइफ बदल सकते हैं. सो मैंने उस पर फोकस किया नहीं मुझे बुक की नॉलेज लोगों को बांटनी है ताकि लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो. तो मैंने वही किया उसके बाद मुझे इतने सारे रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हुए.
वो सेम चीज श्वेता भाई भी बोले, अपना फ्रेंड सर्कल जो हो सकता है तुम ऐसा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो अवॉइड, ट्राई करो धीरे धीरे अवॉइड करो उनको। आइडियल सिनेरियो से अपने लाइफ को दूर रखो, आइडियल सिनेरियो जितनी भी चीजों में आते हैं वो एक्सटर्नल सोर्सेस आ रहे हैं। हमें बॉलीवुड में दिखाया प्यार क्या होता है, वो आइडियल प्यार का एक आशिकी या मोहब्बत वाला आइडिया है, दिस इज नॉट ट्रू। रियलिटी आपको बताती है, एक्चुअली फर्स्ट इंस्टेंस में बता देती है कि ये नहीं होने वाला, आप क्यों होने वाले उसमें, आप बहुत भारी मात्रा में आपका डिसअप होने वाला है, बट हम उसी टेंजेंट में रहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ लाइफ में पहले ये हो गया, दूसरा एक्सट्रीम्स में जीरो हंड्रेड नहीं होती लाइफ, मैनेज करके भी देखो राइट, हो सकता है हम दोस्तों कुछ दोस्त खुद ही सर डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लेकिन भाई है होता है ना, भाई है अब छोड़ छोड़ देंगे उसको, लेकिन तुम्हें ये देखना उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन तुम्हारे लाइफ में आ जाए, तो उसको मैनेज करो कि भाई अपना काम करो, वो तुमने उसका ठेका नहीं लिया, वो नहीं कर रहा, कोई कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है, लेकिन तुम उसका ठेका मत, उसको लेके अपना को ग्रॉ मत करो, लेकिन उसको छोड़ो, ये नहीं दूसरी बात है। तीसरी चीज होती है एक्सट्रीम जॉब, हम लोग लाइव क्लास में आए थे, अगर वो तरह के जिसको बस शाम को टाइम काटना था तो वो तुम नंबर ढूंढ रहा है, तुम्हें ढूंढ रहा है,